हेलो एवरीवन, वेलकम टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। तो आज मैं सोचता हूं कि आपके लिए एक ग्रामर का एक चैप्टर है शब्द के बारे में, शब्दों के जो प्रकार है, उन शब्दों के जो भेद है उनके बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम आपको ग्रामर का भी टेस्ट भी कर ही रहे हैं, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का बनता है, लेकिन आपका चैप्टर वाइज भी ग्रामर होना जरूरी है। व्याकरण, जैसे कि मैं आपको संधि बताया हूँ, है ना, फिर आपको मैं ये बता रहा हूँ, फिर आपको कारक बता दूंगा, समास बता दूंगा, विशेषण बता दूंगा, क्रिया बताऊंगा, उसका जो टाइप से है, प्रकार है, जो भेद है, उनको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिएगा और शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो मैं आपको बताऊंगा, इसको समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है, बस समझिएगा। आप वर्ड जहां समझ गए क्या बोलना चाहता है, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जब सवाल जो एग्जाम में आएगा वो सिर्फ आएगा, एग्जाम्पल दिया रहेगा, ठीक है, इनमें से कौन है, ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा है, ये सब दिया रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, शब्दों का भेद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो शब्द को जो भेद है उसको मूल रूप से तीन भाग में बांटा गया है, तीन प्रकार के। पहला है कि उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है उसके दृष्टिकोण से शब्दों का भेद अलग अलग है। दूसरा है कि बनावट की दृष्टि से, बनावट या रचना की दृष्टि से उसका भेद अलग अलग है। फिर नेक्स्ट है आपका रूपांतरण की दृष्टि से, यानी कि बदलाव जो चेंज होता है शब्द, उसकी दृष्टि से भी अलग अलग है। तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति के मतलब क्या समझते हैं, उत्पन्न होना, पैदा होना, नया चीज बनना, ठीक है। तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, उत्पत्ति के एतबार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। यही याद आपको रखने की जरूरत है, यही बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है एग्जाम में कि उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो शब्द के चार प्रकार हैं, याद रहेगा। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के चार प्रकार हैं, और वो कौन कौन है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। ये चार प्रकार का शब्द है, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यही आपका चार प्रकार का शब्द है जो कि उत्पत्ति के दृष्टिकोण से है। अब देखो एक एक बारे में समझते हैं, एक एक बारे में समझते हैं तो आपको पता चलेगा तत्सम किसे कहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम में आता है सवाल इस तरह से, इनमें से कौन सा तत्सम है, इनमें से कौन तद्भव है, इनमें से कौन देशज है, इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम में ऐसा सवाल भी आता है, ठीक है। तो तत्सम, तत्सम कहते हैं जो हिंदी के साथ, जो हम हिंदी बोलते हैं ना, जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी के साथ जो संस्कृत का जो शब्द बोलते हैं और जो संस्कृत का जो शब्द आता है ना, उसी को बोलते हैं तत्सम। ऐसा में यानी कि जो हम हिंदी का जो भाषा बोल रहे हैं इसमें, तो उसमें जो है संस्कृत का भाषा भी हम लोग मिला बोलते हैं, हम लोग मिला करके बोलते हैं। आपको पता है कि हम लोग ना तो सही से हिंदी बोल पाते हैं, ना तो उर्दू वाले सही से उर्दू बोल पाते हैं, ना तो हिंदी वाले सही से हिंदी बोल पाते हैं, ना तो संस्कृत वाला सही संस्कृत बोल पाते हैं, सब मिला बोलते हैं। आप ही लोग देख लो, कभी कभी हिंदी, कभी उर्दू, और उर्दू, हिंदी, संस्कृत ये आम भाषा है ना, मतलब पूरा प्योर कुछ नहीं बोल पाते हम लोग, या तो हिंदी पूरा बोल नहीं पाते, ये भी नहीं हो पाता, या तो उर्दू नहीं बोल पाते, या तो संस्कृत नहीं बोल पाते हैं। अब जैसे कि कुछ बोलते हैं हम लोग तो उसमें कभी उर्दू भी मिक्स करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मैं आपका इंतजार कर रहा था, अब आ गया यहाँ पे, इंतजार कौन सा वर्ड है, उर्दू वर्ड है ना, लेकिन यहाँ पे हिंदी अगर बोलेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं मैं आपका वेट कर रहा था, यही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम के मतलब ये हुआ कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द बोलते हैं हम लोग, जो भाषा बोलते हैं उसमें संस्कृत का भाषा भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो संस्कृत का जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो संस्कृत वाला जो भाषा है, वही भाषा क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। जैसे देखिए कर्पूर, क्या बोलते हैं हम लोग, कर्पूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्पूर, जिसको कर्पूर हम लोग नहीं बोलते, आम चाल के बोल चाल की भाषा हम कपूर बोलते हैं, है ना, जो कपूर होता है वाइट वाइट होता है ना, तो कपूर एक्चुअली में उसका जो संस्कृत का जो नाम है वो क्या है, कर्पूर नाम है। उस तरह से देखो मुख, मुख तो जानते हैं, ये जो मुख बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, मुख मतलब समझते हैं ना मुंह होता है, ठीक है। तो मुख जो ये शब्द जो मुख देख रहे हैं, ये कौन सा शब्द है, ये है संस्कृत का शब्द है, ठीक है। उस तरह से देखिए रात्रि, बोलते हैं रात्रि हो गई, सब लोग जानते हैं रात्रि। अच्छा कुछ कुछ वर्ड है जो चुना हुआ है, जो सब लोग जानते हैं कि ये रात्रि है, रात्रि कौन सा है, ये समझे तत्सम है, और इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग रात्रि, रात्रि बोलते हैं, रात्रि बोलते हैं। और फिर देखो अग्नि, अग्नि मतलब
आग, समझ रहे हैं? तो अग्नि जो बोलते हैं वो क्या है, वो है आपका तत्सम है। और मृत्यु, मृत्यु क्या है, वो भी तत्सम। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा वर्ड आ जाएगा जो तत्सम के रूप में आएगा, यानी कि जो वर्ड हिंदी में संस्कृत के साथ साथ इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं बोलने में, उसको क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। और मैं जो आपको समझा रहा हूँ, कभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कभी मैं उर्दू बोल रहा था, कि आपको समझ में आ जाए किसी भी भाषा में, है ना। कभी प्रयोग बोल देते हैं, कभी इस्तेमाल बोल देते हैं, इस तरह से बोल देते हैं। अब देखो हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम जो शब्द होता है ना, कभी कभी बोलते तत्सम शब्द, हाँ, किसी को कभी बोलते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, कभी नहीं, माइंड में जल्दी आता है कि उसकी मृत्यु हो गई, डायरेक्ट बोल देते हैं कि उसकी मौत हो गई, नहीं बोलते हैं उसकी मौत हो गई, उसका देहांत हो गया, ऐसे बोल देते हैं, वो मर गया, ऐसे भी डायरेक्ट बोलते हैं, एकदम बेधड़क बोल देते हैं वो मर गया। तो जो तत्सम है उसमें क्या करते हैं, छेड़छाड़ कर देते हैं, तत्सम को क्या बिगाड़ के बोलते हैं, जैसे कर्पूर बोलना चाहिए हमको तो क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं। रात्रि बोलना चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, रात बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि आसान भाषा में हम लोग इस्तेमाल कर ले, उसको तोड़ तड़ के आसान करते हैं ताकि लोग आसान से समझ जाए, संस्कृत जाने या ना जाने। इस तरह देखो आग, अग्नि जो कि संस्कृत भाषा है और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आग बोल देते हैं। तो ये जो है ना तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, इसको बिगड़ा हुआ रूप भी बोलते हैं तद्भव को, ठीक है। यानी कि जो आम चाल, जो बोल चाल की जो भाषा है वो समझ लो कि आपका तद्भव भाषा है, जो बोल चाल जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आग सब बोलते हैं, है ना, दिन दिन बोलते हैं, लेकिन दिवस एक अलग वर्ड है, दिवस के मतलब ही दिन होता है, तो दिवस आपका संस्कृत हो गया और दिन जो है आपका क्या हो गया, ये आपका तद्भव हो गया। तो तद्भव क्या है, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है, समझ में आ गया, तत्सम तद्भव, ये बहुत एग्जाम में आता है। मैं आपको लास्ट में कुछ वर्ड लिखाऊंगा और आपको बोलूंगा इसका तत्सम लिखाऊंगा तो तद्भव बताइए क्या होगा, ठीक है। तो या तो तद्भव लिखाऊंगा तो तत्सम बताना पड़ेगा आपको क्या होगा, लास्ट तक वीडियो देखना, होमवर्क दूंगा, मजा आ जाएगा। आपको तो पता है मुझे होमवर्क देने की आदत है और आप लोग टेलीग्राम पर मुझे होमवर्क सेंड करते हो, मुझे वक्त मिलता है तो मैं चेक भी करता हूँ, ठीक है। होमवर्क बनाना जरूरी है, ठीक है सबको। तो ये समझ में आ गया, तत्सम जो संस्कृत वाला अल्फाज होता है, जो संस्कृत वाला शब्द होता है उसको बोलते हैं तत्सम बोलते हैं, तद्भव जो उसको छेड़छाड़ कर बिगाड़ करके जो हम लोग बोलते हैं उसको तद्भव बोलते हैं, ठीक है। ये देखो देशज, देशज भाषा मतलब देसी, देशज मतलब समझो देसी भाषा, देसी भाषा कैसे कैसे बोलते हैं हम लोग, लोटा बोलते हैं, कचौड़ी बोलते हैं, भात बोलते हैं, दलिया बोलते हैं, इस तरह से भाषा जो इस्तेमाल करते हैं देसी भाषा बोलते हैं, हम देसी हैं, देसी भाषा में देसी भाषा जो अपना देश का जो भाषा है उसको इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो जाएगा, देशज शब्द कहलाएगा। और एक होता है विदेशज, विदेशज मतलब विदेश वाला भाषा अभी भी हम लोग बोलते हैं, जैसे स्कूल, ये क्या है, विदेश वाला भाषा है। विद्यालय बहुत कम बोलते हैं ना, कोई बहुत कम के मुंह से सुने होंगे कि हम विद्यालय जा रहे हैं, कोई बोलता है, कौन कौन से इनमें से बोलते हैं थोड़ा बोले, कमेंट कीजिए। बहुत कम लोग बोलते हैं कि हम विद्यालय जा रहे हैं, मेरा विद्यालय बन है, बहुत कम, यानी कि 1-2% बोलता होगा, कह नहीं सकते, लेकिन सब लोग बोलते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, है ना, पुलिस सब बोलते हैं, पुलिस, पुलिस का कोई हिंदी वर्ड बता सकते हैं आप लोग, नीचे कमेंट करना, पुलिस का हिंदी वर्ड, पुलिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं तो मैं लास्ट टाइम बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट टाइम बताऊंगा, याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुलिस, ताकि मुझे याद रहेगा, मुझे याद रहेगा पुलिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको याद है तो नीचे कमेंट करना। तो ये सब जो वर्ड है विदेशज वर्ड है जो कि हम इस्तेमाल करते रहते हैं और ये आम फहम भाषा है, बोल चाल की भाषा में इस्तेमाल बोलते हैं जो समझ भी जाता है, स्टेशन हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, सब बोलते हैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है। तो ये सब जो शब्द है ये सब क्या है, विदेशज शब्द है। आगे समझ में, अब आपको समझ में आ गया कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार प्रकार, तो ये चारों याद रखना, चार प्रकार भी याद रखना। सेकंड आपका है बनावट, ये मैं कल जो आपको ग्रामर का जो की टेस्ट करवा रहा था उसमें ये सवाल था कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो सब दो दो बोल रहे थे और हम भी आफी के साथ समर्थन कर दिए थे, दो ही आंसर टिक कर देते थे, लेकिन ये गलत था, ठीक है। शब्द की, शब्द या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, याद रखना, ठीक है। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, ठीक है, सब लोग याद करना, नोट रख कर लेना इसको। अब देखो कौन कौन शब्द है, तीन भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौग रूढ़। अब इसको समझना पड़े ये क्या है भाई, रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक क्या है, रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द बोलते हैं जिसको तोड़ेंगे, खंडन करेंगे, टुकड़ा करेंगे शब्द को, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। असल में रूढ़ के मतलब ये हो गया कि जिस शब्द को तोड़ देंगे, टुकड़ा कर देंगे, खंडन कर देंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, अर्थ खत्म हो जाएगा, मतलब निरर्थ हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे देखो पान, पान लिखे, पान को अगर तोड़ेंगे तो पा आकर पा बन जाएगा, ना बन जाएगा, पा ना का तो कोई मतलब ही नहीं, पा का मतलब क्या होता है,
इंग्लिश वाला मत बोलो पा मतलब फादर है ना, हिंदी में बोल रहे हैं तो पा का अलग ना का अलग कोई मतलब ही नहीं बना। घर घर बोलते हैं तो घा अलग रा अलग, अगर तोड़ेंगे घर को तो क्या हो घा रा, और घा का कोई मतलब नहीं बन रहा, रा का कोई मतलब नहीं बन रहा, यानी कि बिना मतलब निरर्थ वाला बन जाता शब्द। अगर किसी शब्द को टुकड़ा करेंगे या खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, उसको क्या बोलेंगे रूढ़ शब्द बोलेंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ताकि आप सुन करके याद कर लो समझ जाओ, और चाहो तो इसको नोट कर लेना अपने कॉपी पर, ठीक है। आया समय रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, यानी कि जिसको टुकड़ा खंड नहीं कर सकते, अगर कर भी देंगे तो कोई उसका मतलब नहीं बनेगा, अर्थ ही नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे और देखो पानी, पानी है, पानी तो जान रहे पानी जल होता है जो, लेकिन पानी को टुकड़ा करेंगे तो पा अलग नी अलग क्या बना, कुछ नहीं बना। नानी तो ना अलग नी अलग कुछ नहीं बना, कुछ बना कुछ नहीं बना। तो इस तरह से कुछ ऐसा वर्ड है, बहुत सारे ऐसे दिमाग में आपको वर्ड आ रहा है जिसको तोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। लेकिन एक यौगिक होता है, यौगिक यौगिक होते हैं जिसको अलग अलग करेंगे तोड़ेंगे तो सार्थक शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा। रूढ़ का जस्ट उल्टा क्या है, यौगिक है, जिसको सार्थक शब्द मगर यौगिक शब्द को तोड़ेंगे तोड़ेंगे टुकड़ा करेंगे यानी कि संधि विच्छेद करेंगे तो वो सार्थक वाला शब्द बनेगा। एक तो ऑलरेडी, तो देखो जैसे विद्यालय, ये ऑलरेडी विद्यालय का मतलब समझ रहे, स्कूल होता है जहां पर हम लोग पढ़ने जाते हैं, ये क्या विद्यालय हो गया। अब विद्यालय भी एक सार्थक शब्द है, अब विद्यालय को खंडन करेंगे तो क्या खंडन करते हैं, विद्या जोड़ आलय बनाए ना आप लोग पढ़े ना, विद्या विद्या जोड़ आलय। अब बोलो विद्या का मतलब क्या होता है, विद्या मतलब नॉलेज, बोलते हैं हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं, नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, मैं आपको विद्या दे रहा हूँ आप मेरे से विद्या ले रहे हो, तो यही है विद्या नॉलेज ज्ञान। और आलय का मतलब होता है घर, घर, और यही दोनों मिलकर बन गया विद्यालय, जहाँ पे घर, जहाँ पे नॉलेज दिया जाता है, जिस घर में नॉलेज दिया जाता है, जिस घर में ज्ञान दिया जाता है उसको बोलते हैं विद्यालय। आलय का मतलब घर। उसी तरह से पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब समझते हैं लाइब्रेरी होता है, इसी तरह के समझते हैं, हर कोई जानता है लाइब्रेरी होता है। लेकिन अगर पुस्तकालय को खंडन करेंगे तोड़ेंगे तो पुस्तक अलग बन जाएगा और आलय अलग बन जाएगा। तो पुस्तक तो मतलब जान रहे हैं किताब होता है, और आलय का मतलब घर, जहाँ पे किताबों का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं पुस्तकालय, है ना। दुकान में भी बहुत सारा किताब रहता है लेकिन उसको पुस्तकालय नहीं बोलते, क्योंकि उसमें कॉपी भी रहता है, किताब भी रहता है, कलम भी रहता है, बहुत कुछ रहता है, उसको पुस्तकालय नहीं बोलते। लेकिन पुस्तकालय में सिर्फ और सिर्फ पुस्तक ही रहेगा, यानी कि पुस्तकों का घर क्या बोलेंगे, पुस्तकालय बोलेंगे। ऐसे भी याद रखना, जो अनेक शब्द का एक शब्द का जो अनेक शब्द बनता है या अनेक शब्द का एक शब्द बनता है, पुस्तकों का घर क्या बोलेंगे, पुस्तकालय बोलेंगे। जिस घर में विद्या दी जाती है उसको क्या बोलेंगे, विद्यालय बोलेंगे, है ना। इजी सा है। देव मंदिर, देव का मतलब जानते हैं भगवान जिसको बोलते हैं, और मंदिर को मतलब जान ही रहे, तो देव एक देव मंदिर है, बोलते यहाँ देव मंदिर है, तो एक तो देव मंदिर समझ रहे, एक मंदिर का नाम हो गया कि ये देव मंदिर है। लेकिन इसको जब खंडन करेंगे तो देव अलग मंदिर अलग, और दोनों का मतलब भी निकल रहा, देव का मतलब भगवान जाने, मंदिर का मतलब जो जो घर बना हुआ जिसे पूजा करते हैं उसको बोलते हैं मंदिर। तो यौगिक कहने मतलब यौगिक जो शब्द होता है उसको खंडन करेंगे टुकड़ा करेंगे तो जो खंडन टुकड़ा बनेगा उसका भी कोई ना कोई वर्ड और अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर रूढ़ को टुकड़ा करेंगे तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा, है ना, कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो समझ में आ गया, रूढ़ शब्द समझ में आ गया, यौगिक समझ में आ गया। अब देखो योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ एक ऐसा शब्द है जो अपना रियल मानी नहीं देता है, दूसरा मानी देता है, जो उसका मूल मानी होना चाहिए वो मानी नहीं देता है, वो जो मूल शब्द का जो मूल अर्थ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो वीणा पानी, वीणा पानी समझ नहीं आ रहा सर वीणा पानी क्या होता है। अब जो वीणा पानी का जो अर्थ है वो अर्थ नहीं दे रहा, वो कुछ विशेष अर्थ दे रहा। जैसे देखो वीणा पानी, तो वीणा पानी का मतलब होता है जिसके हाथ में वीणा है, जिस पानी मतलब यहाँ पे हो गया हाथ, वीणा पानी मतलब जिसके हाथ में वीणा है। अब किसके हाथ में वीणा है बताओ, आप लोग जानते हैं ना सरस्वती मंदिर में जो रहता है उसी के तो हाथ में वीणा रहता है, वीणा जिसको बोलते हैं ना, तो वीणा किसके हाथ में है, सरस्वती के हाथ में है। इजी से है, जिसके हाथ में वीणा है उसको क्या बोलते हैं, सरस्वती। अब देखो वीणा पानी यहाँ इसका तो अर्थ अलग होना चाहिए ना, लेकिन अब अर्थ क्या दे रहा, वीणा पानी मतलब क्या हो रहा, सरस्वती हो रहा, पूरा अर्थ चेंज हो गया। वीणा पानी कहाँ अलग है, सरस्वती कहाँ अलग है, बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, वीणा पानी अलग है सरस्वती अलग हो गया। तो वीणा पानी का मतलब होता हुआ है जिसके हाथ में वीणा हो, तो वीणा किसके हाथ में रहता है, सरस्वती के हाथ में रहता है, तो इसका मतलब सरस्वती हो गया। लंबोदर जानते हैं, लंबा है जिसका उदर,
सिर, उधर का मतलब सर, जिसका सर लंबा है। किसका लंबा सर है जानते हैं? गणेश, है ना। तो जिसका सर लंबा है, लंबा है जिसका उधर, उसको क्या बोलते हैं? गणेश बोलते हैं। तो आप देखो लंबोदर का मतलब, अगर लंबोदर का अर्थ पूछा जाए तो अगर आपको दे दे ऑप्शन में गणेश, महेश, सुरेश, रमेश, तो क्या टिक करोगे? गणेश। जाहिर सी बात गणेश का सर लंबा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पंकज। क्या है? पंकज, ठीक है। तो पंकज का मतलब क्या होता है? जो कीचड़ से जन्मा है, जो कीचड़ से जन्मा है उसको क्या बोलेंगे? पंकज बोलेंगे, ठीक है। यानी कि कीचड़ से कौन जन्मता है? कमल का फूल। कमल का फूल होता है वही तो कीचड़ से जन्मता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दशानन। दशानन का मतलब क्या समझते हैं? दशानन, ठीक है। दशानन मतलब जिसका दस सर हो। अब दस सर किसका होता है? दस सर जानते हैं रावण का होता है, है ना। रावण का जो होता है वो कितना होता है? दस होता है। तो दशानन के मतलब कुछ और, दस सर वाला, और इसको डायरेक्ट इसका अर्थ होगा दस सर वाला मतलब रावण। तो ये देख रहे बिना पानी लिखा हुआ कुछ और है और अर्थ कुछ और दे रहा है ना। लंबोदर तो लिखा हुआ कुछ और, लंबा सिर वाला देना चाहिए तो लंबा सिर वाला बहुत सारा आदमी होगा, लेकिन अर्थ क्या दे रहा है? गणेश दे रहा अर्थ। पंकज, पंकज तो अलग है, लेकिन यहाँ बोलता है जो कीचड़ से जन्मा है, तो कीचड़ से कौन जन्मता है? कमल का फूल, कमल। अब नेक्स्ट आपका तीसरा है रूपांतरण। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दो तक तो आपको समझना आ गया अच्छी तरीके से, है ना। यानी कि उत्पत्ति के हिसाब से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार प्रकार होते हैं और बनावट की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार होता है। आप नहीं भूलोगे ना, कमेंट करो कौन कौन भूल जाओगे, कौन कौन भूलेंगे कमेंट करना। चलो नेक्स्ट है तीसरा रूपांतरण। रूपांतरण के मतलब क्या होता है? बदलना, चेंज हो जाना, इसको बोलते हैं रूपांतरण, ठीक है। तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, याद रखना। देखो दो तीन चार, एक लाइन से उत्पत्ति की दृष्टि से चार भेद, बनावट की दृष्टि से तीन भेद, और रूपांतरण की दृष्टि से दो भेद होता है, याद रहेगा। अब दो भेद कौन कौन होता है? विकारी और अविकारी। विकारी के मतलब जिसका चेंज हो जाना, विकारी के मतलब जो विकार अलग अलग होता है, जिस शब्द का जो है ना विकार, चाहे तो संज्ञा के अति से जो रंग हो, उसका रूप हो, जो लिंग हो, वो चेंज हो जाता है। जिस शब्द का रंग रूप या कारक या तो संज्ञा के हिसाब से चेंज हो जाएगा, या तो सर्वनाम के हिसाब से चेंज हो जाएगा, या विशेषण या क्रिया, यानी कि इन चारों के हिसाब से किसी भी शब्द का रंग रूप लिंग चेंज हो जाना। जैसे कि मैं बोलूं वह पटना जाती है, ठीक है। तो वह पटना जाती है, अगर वह जाने वाली लड़की है तो पटना जाती बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वह जाने वाला कोई लड़का होता है क्या बोलते हैं? पटना जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर विशेषण का इस्तेमाल होता है, जैसे मैं, तुम, हम लोग, वे लोग। यहाँ पे संज्ञा, संज्ञा तो जानते हैं जो पांच प्रकार के संज्ञा होता है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, या तो किसी पुरुष की वजह से ये चेंज हो जाना, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो विशेषण, विशेषण जानते हैं खूबी खराबी, है ना, वो खूबसूरत है बदसूरत है। तो अब यहाँ पे संज्ञा के हिसाब से वो जो पुरुष होगा उसका शब्द होगा वो चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से, इन चारों वर्ड के हिसाब से। क्रिया तो अभी बताया, जैसे जाता है तो कभी जाती करते हैं, कभी पढ़ता है, कभी पढ़ती करते हैं। और नेक्स्ट आपका है अविकारी, मतलब जिसका विकार चेंज नहीं होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपितु, यथासंभव, यद्यपि, यथाशीघ्र, यानी कि ये शब्द जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं ये चेंज नहीं होता, इसका विकार बदलता नहीं है। जब भी जिस कंडीशन में कोई भी नाउन आ जाए, कोई भी संज्ञा आ जाए, कोई भी सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कोई भी आ जाए, ये सब इन सभी शब्दों को जब इस्तेमाल करते हैं तो ये यूं ही रहता है, ये हटता नहीं है। जैसे बोलते हैं यद्यपि तुम यहाँ आओगे तो मैं वहाँ जाऊँगा, यद्यपि का मतलब यदि, अगर, तो तुम लड़की हो या लड़का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यद्यपि, यद्यपि हमेशा बोलते हैं। यथासंभव हो तो मैं यह काम करूंगा, यदि मुमकिन हो तो ये काम करेंगे। तो यथासंभव यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। तो चाहे संज्ञा चेंज हो या सर्वनाम हो या विशेषण, क्रिया, किसी भी हालत में ये सब जो शब्द चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? अविकारी हो। तो आपका एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? एग्जाम में सवाल आएगा कि जिस शब्द को, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की वजह से उसका लिंग चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? विकारी चेंज बोलेंगे, विकारी शब्द बोलेंगे, जिसका चेंज नहीं होता उसको अविकारी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से रूढ़ शब्द है, जिस शब्द को खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा, बेअर्थ हो जाएगा, उसको बोलेंगे रूढ़, और जिसका टुकड़ा करने के बाद अर्थ में बदल जाता है, अर्थ भी हो जाता है उसको, उसको बोलेंगे यौगिक बोलेंगे। और योग रूढ़ का मतलब समझ में आ गया, जो रियल मानी उसका कुछ और है लेकिन मानी कुछ और दे रहा। इसका मानी जैसे वीणा पानी अलग मानी है और दे रहा क्या? सरस्वती, है ना, याद रहेगा। और ये तो तत्सम तद हो तो समझ आ गया। चलो तो इतना आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको नोट करना। मिटाते हैं हम इसको, और जो जो होमवर्क दे रहे हैं आप लिखना इसको। चलो इसको मिटाते पहले, बस वीडियो को लास्ट करेंगे, कोई जाना मत यहाँ पर से छोड़ के।
और अपने सभी सभी अपने कॉपी में नोट कर लेना, और जिसको नोट है जिसको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम से ये सभी सवाल जो है टेस्ट में गलती नहीं होना चाहिए सबसे। मैं देख रहा हूँ कौन कौन यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, मैं सबका कमेंट भी पढ़ता हूँ, है ना। आप लोग जो कमेंट करते हैं ना कमेंट में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप लोग फालतू का कोई कमेंट मत करना, अब मैं सबका कमेंट करता फिर हायर कर दोगे। अब देखो हम जो है ना हम लिखाएंगे तत्सम शब्द लिखाएंगे, क्या तत्सम शब्द लिखाएंगे, 10 पीस लिखाएंगे, आप उसको तद्भव बनाना, क्या बनाना तद्भव, यानी कि बिगाड़ के, बिगाड़ने तो आता ही है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से। चलो पहला ये आपका होमवर्क, तत्सम शब्द लिखाएंगे, ठीक है तत्सम, और आपको क्या बनाना है तद्भव बनाना है, तद्भव। चलो जी फटाफट होमवर्क नोट करो, यहाँ पे लिखो, देखता हूँ कौन कौन एक सही बनाता है। आर्द्रक, आर्द्रक। नेक्स्ट है कंटक। नेक्स्ट लिखो कूप, लिखो कूप। नेक्स्ट है करपट, लिखो। सबको बिगाड़ के बनाना है ना। और है अक्षी, लिखो अक्षी, 5 हुआ। और फिर लिखा रहे बहुत सारा भी है, ज़्यादा नहीं लिखाएंगे। संध्या लिखो, संध्या, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप लोग सर्प, लिखो सर्प, ये तो इजी वाला है, सब बता दिए होंगे आपको। चलो ये नेक्स्ट लिखो आपका, हाँ मत्सर लिखो, मत्सर दिख रहा ना सबको। चलो नेक्स्ट लिखो आपका कोकिल, लिखो कोकिल। चलो ठीक है, और लास्ट में लिखो हरिद्रा। ये देखो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं होमवर्क दिया हूँ इसको बनाना, और जो बाद में देख रहे उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ इसको बनाओ, और बना करके हो सके तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो ने डाउनलोड किए हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, यहाँ पे सर्च करना और एक ग्रुप आएगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही ज्वाइन हो गए एक मैसेज आएगा जो कि मेरे से बात करने के लिए, कॉन्टेक्ट करने के लिए आएगा, या तो फिर आप बाद में भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे सबका नाम लिस्ट दिखता है ना वहीं पर जाकर के मेरा भी नाम, वहाँ पे फोटो भी दिखेगा मेरा, वहाँ पे फोटो में लगा दिया हूँ। आप वहाँ पे जा करके फोटो में अपना कॉपी में बना करके तद्भव बना करके बिगाड़ के, अच्छे तरीके से बिगाड़ना, उल्टा पुलटा मत बिगाड़ना, ठीक है, बिगाड़ करके मेरे पास मैसेज करो। तो मैं वीडियो को यहीं पे लास्ट करूं, अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।